हेलो फ्रेंड्स, अगर आप वोकैब जी हाँ अगर आप वोकैब को लेके बहुत परेशान हैं कि वोकैब हम कहाँ से याद करें, कितनी याद करें, कितनी सफिशिएंट है, तो इन सभी सवालों का जवाब आज आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाला है। अगर आप देखिए एक स्टैंडर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे SSC CGL, तो वहाँ पे आपके पास कम से कम 5,000 आपको वोकैब याद होनी चाहिए। अगर आप तैयारी कर रहे हैं किसी ग्रेड सी एग्ज़ाम की या फिर किसी ग्रेड डी एग्ज़ाम की, तो वहाँ पे आपके लिए 2,000 वोकैब इनफ है, ठीक है। लेकिन शर्त यह है कि आप उसे भूले ना, तो 2,000 वोकैब की कोई भी बुक आप मार्केट से ले आए, उसको याद करा और आपको 2,000 में से 200 भी याद ना रहें जब आप एग्ज़ाम में बैठेंगे, तो फिर ये गलत है, ठीक है। ये तो लेवल था कि कितनी वोकैब हमको याद होनी चाहिए। अब हम सवाल करते हैं कि वोकैब कहाँ से याद करें, न्यूज़पेपर, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस उठाएं, या फिर जो नॉर्मल जो बुक मिलती है मार्केट में उसको फोकस करें, या फिर प्रीवियस ईयर में एग्ज़ाम में जो वोकैब पूछी गई है उस पर ध्यान दें अपना, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आपका लेवल ज़्यादा हाई नहीं है एग्ज़ाम का, तो आप सिंपल प्रीवियस ईयर वोकैब पर ध्यान दीजिए, उसको याद करिए, ठीक है। अगर आप एक हायर लेवल के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपको कंटिन्यू डेली रूटीन में अपना पर डे की कम से कम 20 वोकैब अपनी वोकैबलरी लिस्ट में ऐड करने पड़ेंगे, जो भी आप नोट्स बना रहे हैं उसमें ऐड करने पड़ेंगे, ठीक है। अब देखिए, हम बात करते हैं कि फिलहाल ये जो बुक के बारे में आपसे बात कर रहा हूँ, ये है लूसेंट की बुक, ये है इसका पार्ट 1। इसमें हम कवर करेंगे अल्फ़ाबेट ए। अल्फ़ाबेट ए से जो भी इसमें अभी सिनोनिमस दिए गए हैं वो सब मैं आपको अभी दिखाने जा रहा हूँ, ठीक है। और प्रयास करूँगा आपको समझाने का कि सभी के सभी जो ये अल्फ़ाबेट ए से जो भी वर्ड्स आपको दिखाई दें वो सभी आपको याद हो पाएँ। और देखिए, अगर ये बुक आपके पास में है तो प्लीज़ इस बुक को लेके बैठिए, जैसे जैसे मैं आपको गाइड करूँगा वैसे वैसे आपको इन सभी वर्डों को अंडरलाइन करना है। देखिए, इस बुक का जो तरीका है समझाने का काफ़ी बेस्ट तरीका है, और साथ में केवल उतनी ही वोकैब दी गई है जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस बुक को परचेज़ करना चाहते हैं तो मार्केट से इस बुक को जाके परचेज़ कर लीजिए, बड़ी आसानी से ये बुक आपको मिल जाएगी, या फिर आप इसको ऑनलाइन परचेज़ कर सकते हैं। इस बुक का लिंक मैं दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। देखिए, वोकैब याद करने का एक तरीका इसके अकॉर्डिंग है, और सेकंड तरीका एक ये है, इसको हम बोलते हैं निमोनिक मेथड। जी हाँ, निमोनिक मेथड क्या होता है ये बात मैं आपको अपने काफ़ी सारे वीडियो में बता चुका हूँ जब मैंने ये बुक कंप्लीट कराई थी। इसके सभी वीडियो आपको मिल जाएंगे, आप जाइए राजेश्वरी पब्लिकेशंस की प्लेलिस्ट में, वहाँ पे क्लिक करेंगे तो एक एक पेज को तरीके से स्कैन करके आपको समझाया गया है एक एक चैप्टर। अब देखिए, इसमें क्या है, इस बुक में निमोनिक मेथड के द्वारा वोकैब को समझाया गया है। निमोनिक मेथड मैं उन बच्चों के लिए बताना चाहता हूँ जिनको नहीं पता है। देखिए, इसमें क्या होता है, किसी भी वर्ड को ना हम रियल लाइफ के एग्जांपल के साथ जोड़ देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं, तो इस तरह से क्या होता है कि उस वर्ड को याद करने की सीमा बढ़ जाती है। अभी तो मार्केट में इस तरह की बहुत सारी बुक मार्केट में चल रही हैं, बच्चे याद करते हैं, परचेज करते हैं, क्योंकि कट टू कट बच्चों को याद नहीं हो पाता है, ठीक है। ये प्रचलन अभी हाल फिलहाल 2-3 सालों से चला है, पहले एक्चुअली 2011-12-13 में ये निमोनिक मेथड क्या होता है किसी को पता ही नहीं था। विदेशों में तो ये टेक्निक एक्चुअली काफ़ी टाइम से चली आ रही है, और वहाँ पे जो बच्चे वोकैब याद करते हैं एकेडमिक में या फिर किसी अदर उसमें, तो वो लोग सभी वर्ड याद करते हैं निमोनिक मेथड के द्वारा। तो प्लेलिस्ट में आप जाइए, वहाँ पर इन सभी वीडियो को एंजॉय करिए। फिलहाल मैं शुरू करता हूँ आज का अपना ये वीडियो। देखिए, सिनोनिमस है हमारा चैप्टर नंबर 29 इस बुक का। सिनोनिमस सिनोनिमस एक्चुअली होता क्या है, देखिए सिनोनिमस क्या होता है, एक समान अर्थ वाला, या इसको बोलते हैं पर्यायवाची। हिंदी में आपने देखा होगा पर्यायवाची शब्द, देखिए उसमें देखिए वे शब्द जो अर्थ में लगभग क्या होते हैं, समान होते हैं। समान का मतलब क्या होता है, इक्वल। इक्वल का मतलब सेम, सेम का मतलब जीरोक्स। अगर मैं बोलूँ बिल्कुल सेम कॉपी कर दो, जीरोक्स कर दो, कॉपी कर दो, तीनों का जो शब्द है मीनिंग तो सबका एक ही है ना, तो इसी को बोलते हैं सिनोनिमस, किंतु उनके रूप में विभिन्नता होती है, उन्हें हम कहते हैं सिनोनिमस। अब देखिए, पहला जो हमारा अल्फाबेट ए से जो पहला जो वर्ड है वो है हमारा एबेंडन, ठीक है। पहला जो वर्ड है वो है हमारा एबेंडन। एबेंडन का वास्तविक अर्थ क्या होता है, तो इसका हिंदी में मीनिंग होता है त्यागना, और ये वर्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है और एग्ज़ाम में कई बार पूछा जाता है। और अगर आप कम्पिटेटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हुए अगर आपको 6 महीने से ऊपर हो चुका है, 6 महीने से ऊपर आपको हो चुका है, तो आपको इसका अर्थ आसानी से पता होगा, अगर आपने इंग्लिश जरा सी भी टच करी है तो। देखिए, एबेंडन का मतलब होता है त्यागना, और इसका सिनोनिमस मतलब इसको बोलते हैं गिव अप,
ठीक है ना। हम कहते हैं ना कि अगर तैयारी करते हुए काफी लंबा समय हो गया तो प्लीज गिव अप मत करना, मतलब इसको त्यागना मत, लगे रहो, हार मत मानो, ठीक है। देखो, गिव अप का मतलब होता है त्यागना, लीव का मतलब होता है छोड़ना, छोड़ने का मतलब त्यागना हो गया, और एक है आपका फोरसेक। ये जो फोरसेक है आपको एग्जाम में उसका सिनोनिम जो देता है एग्जाम में ऑप्शंस में, वो मैक्सिमम बार आपको मिलता है फोरसेक, ठीक है। तो उसको याद रखना, फोरसेक का मतलब क्या होता है एबेंडन, एबेंडन का मतलब क्या होता है त्यागना, तीनों का अर्थ क्या होता है हिंदी में, ये होता है त्यागना, गिव अप, लीव, फोरसेक, राइट। इसके लिए कोई ट्रिक नहीं है, अगर आपको ट्रिक चाहिए तो ट्रिक के लिए वो वाली जो बुक मैंने आपको दिखाई थी राजेश्वरी पब्लिकेशंस की, उसकी वीडियो को देखिए। आप जहाँ पर भी कंफर्टेबल हो, जिस तरह से आपको वाकब याद होती है उसको फॉलो करिए, और ढंग से एक एक वर्ड को याद रखिए। अब हम बढ़ता हूँ 2 नंबर पे, ठीक है ना, वर्ड नंबर 2 पे अब हम आगे बढ़ते हैं। इसका है एब्रीविएट, एब्रीविएट का मतलब होता है संक्षिप्त करना। आपने देखा होगा ना, जिसने पेपर 2 टायर 2 इंग्लिश का दिया होगा SSC CGL में या फिर MTS वगैरह में, तो वहाँ पे एब्रीविएट करिए, एब्रीविएशंस करिए, तो ऐसे वर्ड वहाँ पे यूज़ करे जाते हैं। तो एब्रीविएट का मतलब होता है किसी चीज़ को छोटा कर देना, और इसका सिनोनिमस क्या होगा, एब्राइज, कॉन्डेंस एंड शॉर्टन। शॉर्टन तो आपको ऑप्शंस में नहीं देगा बिल्कुल भी, ये आप ढंग से इस बात को याद रखना, शॉर्टन काफ़ी इजी वर्ड है, तो बहुत ही रेयर चांस है ये दे भी सकता है आपको, MTS के एग्जाम में दे सकता है, बट CGL जैसे एग्जाम में आपको शॉर्टन नहीं देगा, बहुत ही रेयर चांस है। तो वहां पे आपको देगा अ ब्रीज, कॉन्डेंस, ठीक है, कंडेंस बोलते हैं उसको, कॉन्डेंस पढ़ते हैं कुछ लोग, तो इसका होता है आपका सिनोनिमस ये, एब्रीविएट, संक्षिप्त, सिनोनिमस, एब्रीज, कॉन्डेंस एंड शॉर्टन। अब हम बात करते हैं एबडिकेट, एबडिकेट का मतलब क्या होता है, एबडिकेट और एबेंडन दोनों ही कहीं ना कहीं सेम से हमको लग रहे हैं, ठीक है। एबडिकेट का मतलब होता है पद से त्याग देना, अगर हम कहते हैं कि यार तूने अपनी पोस्ट से, अपने पद से क्यों एबडिकेट करा, रीजन क्या था, बॉस खड़ूस था, सैलरी टाइम पे नहीं आती थी, डिस्टेंस ज्यादा था, या अपॉर्चुनिटी दूसरी जगह तुझको मिल गई, तो वहां पे यूज होता है आपका एबडिकेट। एबडिकेट का देखिए अर्थ होता है क्विट, क्विट का मतलब होता है छोड़ना, तो एबेंडन के साथ में आपको अगर पूछा जाएगा सिनोनिमस में, आपको ऑप्शन में वो यहाँ पर क्विट दे सकता है, जी हाँ, एबेंडन के साथ में क्विट की प्रायोरिटी बहुत ज्यादा है, तो आप इसको याद रखना, क्विट, एबेंडन एंड सरेंडर। सरेंडर का मतलब क्या होता है, जब कोई आतंकवादी आता है कभी किसी देश में और पुलिस वालों की तरफ से घिर जाता है, तो वो क्या करता है, वो अपना एबडिकेट करता है, मतलब दोनों हाथों को आसमान की तरफ उठा करके अपने आप को सरेंडर कर देता है। तो एबडिकेट का, एबेंडन का मतलब क्या होता है, एबेंडन, एबडिकेट, ठीक है, सरेंडर, लीव, फोरसेक, गिव अप, सबका अर्थ बिल्कुल सेम है। तो आप चाहो तो अपने नोट्स में इनको पेन डाउन कर सकते हैं, अगर आपका मूड है, ये बुक बिल्कुल परचेज नहीं करनी है, आपने ठान रखी है बिना बुक के मुझे तैयारी करनी है, तो भी आप तैयारी कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट आपको अपनी पढ़ाई के लिए करना चाहिए। एक बार सिलेक्शन हो गया, पहली सैलरी आते ही आपका सारा कवर, जो भी आपने इन्वेस्टमेंट करा होगा, कितना होगा इन्वेस्टमेंट बताइए, कंपटीशन की तैयारी में मैक्सिमम 1000 रुपये की आपकी सारी बुक आ सकती है, एक ढंग के कंपटीशन के एग्जाम की तैयारी के लिए। हाँ, मैं स्टेट PCS की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं UPSC की बात नहीं कर रहा हूँ, वहाँ पे ज़्यादा पैसा खर्च होता है, लेकिन एक SSC लेवल तक की तैयारी के लिए आपका 1000 रुपये, 2000 रुपये बस, इससे ऊपर का खर्चा नहीं होगा। इस बुक का भी रेट भी ज़्यादा नहीं है, शायद 220, 250, 300 ऐसी कुछ होगा, 300 से ऊपर नहीं है। आप चाहें तो प्लीज़ इसको परचेज करिए और उसको ध्यान से ईमानदारी के साथ खत्म करें, मतलब पढ़ें। अब हम बात करते हैं एबिलिटी, एबिलिटी का मतलब होता है योग्यता, उसके अंदर एबिलिटी है ही नहीं यार बिल्कुल भी कुछ काम करने की, तो कहते हैं ना स्टाफ में कभी आप जैसे आप जॉब वगैरह करते हो प्राइवेट जॉब में, कहते हैं ना एबिलिटी, बहुत ही रेयर वर्ड है, बहुत ही मतलब बहुत ही ईजी वर्ड है अगर मैं उसको बोलूँ तो, ठीक है, लड्डू वर्ड है जिसे बोलते हैं, तो एबिलिटी का मतलब होता है योग्यता, तो इसका सिनोनिमस होगा आपका कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटी, टैलेंट। एबिलिटी के साथ में टैलेंट आपको ऑप्शंस में देगा, लेकिन याद रखना इसका जो आपको टैलेंट इतना इजी वर्ड जो देगा वहाँ पर एग्जाम में, वो देगा आपका MTS एग्जाम में और रेलवे जैसे एग्जाम में, तो अब ध्यान रखना कि जो ग्रेड डी के एग्जाम है वहाँ पे क्वेश्चंस पूछ सकता है आपसे। आगे आपका प्रोफिशिएंसी, प्रोफिशिएंसी जो वर्ड यूज करेगा आपका, आपका 10+2 और CGL एग्जाम में या फिर किसी आपके बैंकिंग के एग्जाम में। तो अब देखो मैं एग्जाम से डिफाइन नहीं करूंगा कि किस एग्जाम में क्या पूछेगा, ऐसे अगर मैं बोलूंगा कि बैंकिंग के बारे में, तो बैंकिंग के स्टूडेंट बस केवल एबिलिटी को अपना पैंड ऑन करेंगे प्रोफिशिएंसी के साथ में, बाकी उनको मतलब नहीं होगा किसी एबेंडेंस से, एब्रीवेट से, तो ऐसा मैं पार्शियलिटी नहीं करूंगा ऐसा किसी वर्ड के साथ में, सभी इंपॉर्टेंट वर्ड है, कहीं रिस्क मत लो, करके सभी जाने हैं अपने। अब देखिए हम बात करते हैं एबनॉर्मल, एबनॉर्मल का मतलब होता है असाधारण, ठीक है, उसको बोलते हैं डिफरेंट,
तो डिफरेंट का ये जो होता है ये एग्जाम में काफी बार पूछा गया है। ऑप्शंस ये देगा आपको, इसको याद करना है, फिल आपका एनोमलस एंड पेक्यूलियर, तो ये तीनों ही वर्ड आपको अच्छे से याद रखने हैं। राइट, बढ़े आगे थोड़ा सा। चलिए, एब्सेंस, एब्सेंस का मतलब क्या होता है? अनुपस्थिति। अब्सेंट से बना है अब्सेंस, और इसका जो सिनोनिमस होता है वो होता है डर्थ, डिफिशियंसी एंड स्कैरसिटी, या स्कार्सिटी बोलते हैं उसको। ठीक है, एग्जाम में आपको मैक्सिमम प्रायोरिटी बार ये क्वेश्चंस मिलता है देखने के लिए, इसका सिनोनिमस हमसे पूछता है, तो इसका ऑप्शंस में जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका स्कैरसिटी। तो डर्थ भी आप याद कर सकते हैं, डिफिशियंसी भी आप याद कर सकते हैं उसको। अब हम बात करते हैं एब्सोल्यूट के बारे में कि एब्सोल्यूट क्या होता है। एब्सोल्यूट का मतलब होता है शुद्ध, कंप्लीट, एग्जैक्ट एंड जेन्युइन। तो एग्जाम में आपको एब्सोल्यूट का मतलब देगा एग्जैक्ट। देखो तीनों ही आपको याद करने, मैं अगेन बोल रहा हूँ, रिस्क मत लीजिए कि मैं जिस जिसको मैंने हाईलाइट करा के और आप उतना ही पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है। आपको तीनों ही करके जाने हैं, क्योंकि पता नहीं कब कहाँ से क्या पूछ ले, क्योंकि कहते हैं ना कि जंगल में अगर किसी अगर जंगल में शिकार करना हो किसी खरगोश का, तो हथियार कम से कम किसी टाइगर के जितने लेके चलो, पता नहीं जंगल में कब किससे मुलाकात हो जाए। वर्ड नंबर है आप हमारा 8, ये है आपका एब्सटेन। एब्सटेन का मतलब होता है पृथक करना, मतलब अलग करना किसी को। ठीक है, इसका सिनोनिम होता है अवॉइड, डिक्लाइन एंड रिफ्रेन। रिफ्रेन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड, राइट। वर्ड नंबर 9, एबेंडेंट। एबेंडेंट का मतलब होता है अधिक, मतलब बहुत ज्यादा। इसका होता है प्लेंटीफुल सिनोनिमस, फुल, फुल का मतलब फुल होता है, और बाउंटीफुल, बाउंटीफुल, प्लेंटीफुल एंड फुल। तो एबेंडेंट का मतलब होता है अधिक, और एबेंडेंट का मतलब होता है त्यागना। तो फर्स्ट नंबर में और 9 नंबर पे आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, ये सब कन्फ्यूजन तब बनती है जब प्रैक्टिस बहुत कम होती है, रिविजन बहुत कम होता है। तो दोनों ही चीज़ों को आपने ध्यान रखना है। फिर हम बात करते हैं एक्लिरेट। देखिए एक्लिरेट, एक्लिरेट का मतलब जो होता है वो होता है एस्केलेटर से। ठीक है, एस्केलेरेट पढ़ सकते हैं इसको हम लोग, इसको हम बोलेंगे एक्लिरेट। जैसे आपको प्रोनाउंस करना है वैसे आप कर सकते हैं। एस्केलेटर का काम क्या होता है? किसी भी चीज़ की स्पीड को बढ़ाना। जैसे आप देखते होंगे बाइक में, फोर व्हीलर में, तो एस्केलेटर आप दबाते हैं तो क्या होता है, गाड़ी काफ़ी तेज़ी से बढ़ती है, तो उसको बोलते हैं जल्दी करना। तेज़ी से बढ़ने का मतलब क्या होता है? जल्दी करना। तो याद रखना है सारे वर्ड को, इसका हिंदी में मीनिंग होता है जल्दी करना। सिनोनिम्स इसका होता है आपका एडवांस, एक्सपीडाइट, हैस्टेन एंड हरी। कहते हैं हरी अप, हरी हरी हरी, हरी का मतलब जल्दी करो। आगे हम बात करते हैं एक्सेंट। एक्सेंट का अर्थ होता है हमारा दबाव या फिर जोर। सिनोनिम्स इसका होता है आपका स्ट्रेस, पिच एंड टोन। वर्ड नंबर 12, एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार करना, विश्वास करना। सिनोनिम्स इसका होगा एक्वायर, गेन, ऑब्टेन। सेकेंड का जो है एक्नॉलेजमेंट या एक्नॉलेज, बिलीव एंड रिकॉग्नाइज। एक्सेस, एक्सेस का मतलब क्या होता है? किसी चीज के समीप पहुंच जाना। सिनोनिम इसका होगा आपका एडमिशन, एडमिटेंस, अप्रोच एंड एंट्रांस। याद रखना एंट्रांस। एक्सीडेंट का दुर्घटना, कैलामिटी। जी, इसका सिनोनिम एग्जाम में आपको देगा मैक्सिमम कैलामिटी, कैजुअलिटी, डिजास्टर एंड कॉलिजन। तो ये भी वर्ड आपको याद रखने हैं, लेकिन हायर प्रायोरिटी इसकी होती है एक्सीडेंट का सिनोनिम जब पूछता है एग्जाम में, तो वहाँ पे देता है आपको कैलामिटी। वहाँ पे आपको डिजास्टर नहीं देगा, क्योंकि बच्चे काफ़ी इजीली इसका लॉजिक निकाल सकते हैं कि इसका राइट आंसर क्या होगा। एक्सीडेंट का मतलब नेगेटिव पॉइंट आ रहा है, दुर्घटना इसका होगा ये, तो ऐसा नहीं देगा आपको एग्जाम में। एग्जाम में आपको देता है मैक्सिमम कैलामिटी, ये आप याद रखिएगा। फिर हम बात करते हैं अकॉर्ड के बारे में। अकॉर्ड का मतलब स्वीकृति करना, एग्री, अलाउ, कॉन्फेयर एंड ग्रांट। फिर हम बात करते हैं एक्यूज। एक्यूज का मतलब होता है किसी को अपराधी घोषित करना। एक्यूज, एक्यूज का मतलब ब्लेम करना। जिसको पता है अगर हिंदी में एक्यूज का मतलब कि यार एक्यूज का मतलब दोषी, अपराधी होता है, तो वो ऑप्शंस में अगर वो ब्लेम दिखेगा ना तो वो तुरंत हिट कर देगा उसको कि हाँ भाई ये मेरा राइट आंसर है। ब्लेम का अन्य जो अर्थ होता है वो होता है आपका चार्ज, एट्रीब्यूट एंड क्राइमिनेट। ठीक है, क्रिमिनेट या फिर क्राइमिनेट। तो एग्जाम में मैक्सिमम आपको मिलता है एट्रीब्यूट एंड ब्लेम।
दोनों ही वर्ड आपको मिलते हैं, लेकिन मैं चारों पर हाईलाइट कर रहा हूँ। आगे हम बात करते हैं, देखिए एक्वाइंट के बारे में। एक्वाइंट का मतलब होता है जान पहचान करना, डिस्क्लोज, फैमिलियराइज, इन्फॉर्म एंड रिवील। तो एक्वाइंट का मतलब होता है जान पहचान, और आपको मैक्सिमम प्रायोरिटी जो मिलती है आपके एग्जाम में वो मिलती है रिवील। एक्वाइंटेंस का मतलब होता है जान पहचान। कलीग, कलीग क्या होते हैं? कलीग जैसे ऑफिस में आपके स्टाफ के काम करते हैं उसको हम बोलते हैं कलीग, फ्रेंड, ये सब क्या होते हैं। एंड कंपनशिप या कंपेनियनशिप, तो इसका अर्थ होता है जान पहचान। कंपेनियन कौन कौन होते हैं? अपने साथ में काम करने वाले, तो वो इंसान क्या होंगे आपके, रोज जिससे मुलाकात हो रही है तो क्या होगा, उनके साथ आपकी जान पहचान बन जाएगी। आगे हम बात करते हैं एडवांस्ड के बारे में। एडवांस का अर्थ होता है उन्नति करना। एडवांस्ड का मतलब क्या होता है? उन्नति करता हुआ, एक्सट्रीम, फॉरमोस्ट, फॉरवर्ड एंड प्रोग्रेसिव। तो एग्जाम में आपको मैक्सिमम देता है आपका फॉरमोस्ट। देखिए हम टिपिकल वर्ड हम लोग याद नहीं कर पाते एग्जाम, या फिर कोई इसी बुक में से हम पढ़ते हैं हमको लगता है कि यार एक्सट्रीम चलो ठीक है हमारा, फॉरवर्ड भी सही है, आगे की तरफ बढ़ना चल रहा है भी, क्योंकि हम SMS करते हैं ना, फॉरवर्ड के ऑप्शन आते हैं, तो ये चीज़ें हमको याद हो जाती है आसानी से। लेकिन अब जो गेम खेल रहा है, जो भी एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन होता है, तो वहाँ पे आपको ऑप्शन में देगा फॉरमोस्ट, और ये जो वर्ड हम लोग काफ़ी इसको सरसरी नज़रों से देख लेते हैं तो हमको ये याद नहीं हो पाता है। तो इस तरह के वर्डों को किस किस वर्ड पे हमको ज़्यादा फोकस करना है वो सब मैं आपको अभी हाईलाइट करवा रहा हूँ, ठीक है? तो इसको आपने स्किप नहीं करना है। आगे हम बात करते हैं, देखिए एडवांटेजियस का मतलब होता है लाभदायक, बेनिफिशियल्स, प्रॉफिटेबल, गेनफुल एंड कन्वीनियंट। भाई कहते हैं ना जो चीज़ तुम्हारे लिए कन्वीनियंट हो वो करो, मतलब जो आसानी से तुम कर सको। आगे हम बात करते हैं एडवेंचुरियस, मतलब साहसिक कार्य। एडवेंचर क्या होता है? एडवेंचर्स आपने देखा ना, मतलब बहुत ही साहसिक कार्य होता है, तो उसको बोलते हैं बोल्ड। जो इंसान बोल्ड होगा वो क्या करेगा, वो करेगा आपका साहसिक कार्य। तो डेयरिंग, बोल्ड, रैकलेस यहाँ पे देता है आपको एग्जाम में कई बार, रैकलेस एंड रिस्की दोनों ही सिनोनिमस हैं इसके, तो दोनों पे ही आपने फोकस रखना है। देखिए आप इन सबको प्लीज़ पेन डाउन कहीं पे कर लेना जरूर, और रिवीजन करना अगर आपका बुक अगर आप नहीं ले सकते हैं तो। फाइनेंशियल वीकनेस हो सकती है आपके अंदर, फाइनेंशियल दिक्कतें होती है, वो मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ इस चीज़ को, लेकिन फिर भी नोट्स बनाइए कम से कम। नोट्स अगर आप नहीं बना रहे हो बस केवल भगवद गीता की तरह इस वीडियो को सुन रहे हो तो शायद आपको बेनिफिट ना मिले इसका। आगे हम बात करते हैं, देखिए अफेक्शनेट का मतलब होता है स्नेही, मतलब जिसको हम प्रेम करते हैं, डिवोटेड, फ्रेंडली एंड काइंड। फ्रेंडली मतलब दयालु, काइंड, डिवोटेड एंड स्नेही, अफेक्शनेट। एग्रावेट, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट एग्रावेट। आप इसको पेंडल मत करना, हो सके तो तुरंत इसको पॉज करके अभी याद कर लीजिए। देखिए एग्रेसिव से बना है एग्रावेट। एंग्री, एंग्री क्या होता है? एग्रेसिव, एग्रेसिव क्या होता है? उत्तेजित, क्रोधित करना। क्रोध के बाद इंसान क्या हो जाएगा? बहुत उत्तेजित हो जाएगा, उसकी डिसीजन पावर खत्म हो जाएगी सारी, वो तोड़फोड़ करेगा, तो इसको बोलते हैं एक्सैग्रेट, इरिटेट, एनॉय। तो एग्जाम में आपको इरिटेट नहीं देगा, इरिटेट का मतलब क्रोधित, काफ़ी कॉमन सा वर्ड है, लेकिन आपको एग्जाम में देता है आपको एनॉय। इंटेंसीफाई, तो ये दोनों ही वर्ड आपको एग्जाम में देगा। अब हम बात करते हैं एलियंस। एलियंस का अर्थ होता है आपका संधि, समझौता, ठीक है ना, इसको बोलते हैं ट्रीटी। तो एग्जाम में आपको ट्रीटी देता है, ये काफ़ी अच्छा वर्ड है, तो एग्जाम में आपको ट्रीटी भी दे सकता है, एग्रीमेंट भी दे सकता है, दोनों ही वर्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और आपको दे सकता है कॉम्पैक्ट एंड कोलियन। तो ये आप सभी याद रखना। फिर हम करते हैं ऑल माइटी। ऑल माइटी क्या कहते हैं? गॉड इज ऑल माइटी, कहते हैं ना सिंपल से, जो लोग मतलब कि इंग्लिश की कुछ छोटी मोटी मैगजीन पढ़ते होंगे भगवान की, गॉड इज ऑल माइटी मतलब भगवान क्या है, सर्वशक्तिमान है, उसके अंदर सभी शक्तियाँ हैं भगवान के अंदर, तो उसको बोलते हैं ऑल पावरफुल, जिसके अंदर सभी शक्तियाँ हैं, तो वो क्या होगा, वो होगा ऑल माइटी, ग्रेट, ओमनीपोटेंट एंड इनविजिबल। तो ओमनीपोटेंट इज द मेन इम्पोर्टेंट वर्ड। ऑल्दो, ऑल्दो का अर्थ होता है यदि ऐसा हो, मतलब इवन इफ, इवन दो, थ्रू एंड वाइल। ऑल्ट्रुइस्टिक मतलब परोपकारी, ऑल्ट्रुइस्टिक का मतलब होता है परोपकारी। बेनिवोलेंट, ह्यूमन, जेनेरियस एंड चैरिटेबल। देखिए चैरिटेबल का मतलब क्या होता है, जो परोपकारी काम करते हैं उसको बोलते हैं चैरिटेबल ट्रस्ट, ठीक है? तो एग्जाम में आपको ये वर्ड देगा, इसके आपको सभी सिनोनिम्स याद रखने हैं। आगे बात करते हैं ऑलवेज। आई एम ऑलवेज हैप्पी, मैं हमेशा क्या हूँ, खुश रहता हूँ। तो ऑलवेज का मतलब क्या होता है, हमेशा, एवरग्रीन कहते हैं ना, एवर मतलब हमेशा, एवर मोर, फॉर एवर, विदाउट
एक्सेप्शंस, तो यहाँ पे आपको एग्जाम में जो देता है वो देता है मैक्सिमम फोर एवर। एम्बिजियस, एम्बिजियस का मतलब होता है संदिग्ध, अस्पष्ट, जो चीज क्लियर ना हो। अब जैसे कि ये वीडियो आपके सामने बन रही है, इसके एक एक अल्फाबेट आप, अगर वीडियो क्वालिटी आपकी सही है मोबाइल में 720 पिक्सल पर आप देख रहे हैं, ठीक है, तो आपको ये साफ दिखाई दे रहा होगा। अभी अगर मैं इसकी वीडियो क्वालिटी कम कर दूं, या फिर अपने मोबाइल पे अगर आप वीडियो क्वालिटी 480 पे कर दो, या 120p जो आता है उस पे सेट कर दो, तो ये वीडियो क्वालिटी क्या होगी, बिल्कुल हो जाएगी कैसी, एम्बिजियस। एम्बिजियस का मतलब काफी धुंधली हो जाएगी, आपको साफ नहीं दिखाई देगा, आपको हर एक वर्ड में क्या होगा डाउट होगा, डाउटफुल आपकी ये वीडियो चलेगी फिर बाद में, कि यार ये क्या लिखा है मुझे समझ नहीं आ रहा, दिखाई नहीं दे रहा, संदिग्ध है, स्पष्ट, मतलब धुंधला, ठीक है, धुंधला जैसे बोलते हैं वो, वैग्यू, ठीक है। तो इसके वर्ड क्या है, इसके वर्ड है कंफ्यूज, डाउटफुल, ऑब्सक्यूर एंड वैग्यू। वर्ड नंबर 30, एमंग, एमंग का मतलब होता है बीच में, और इसका होता है एमिडिस्ट, एमंगेस्ट, बिटवीन एंड माइडेस्ट, इसको मिडेस्ट भी बोल सकते हैं, MID, मिड होता है, ST के साथ ST लग गया, मिडेस्ट। अब हम बात करते हैं एनालाइजिस, हमने ANALYSIS, एनालाइजिस का मतलब होता है किसी को बंटवारा कर देना, किसी का टुकड़े टुकड़े कर देना, विभाजन कर देना, डिवीजन, इंक्वायरी, रिव्यू एंड स्क्रूटिनी। तो एग्जाम में आपको ये सभी वर्ड ही इम्पोर्टेंट है, और इनको सभी को आपने याद रखना है। आगे हम बात करते हैं, देखिए वर्ड नंबर 32, एंसेस्टर का मतलब होता है विश्लेषण पूर्व, मतलब कि फोर फादर, प्री मतलब प्राचीन, प्री डिसीसर, एंटीसीडेंट एंड फॉर फॉरेर नियर, ठीक है। तो ये जो वर्ड है इसमें आपका इम्पोर्टेंट जो वर्ड है इसमें सिनोनिमस वो रहेगा आपका फोर फादर, एग्जाम में आपको फोर फादर देगा। उसके बाद हम बात करते हैं एंशियंट, एंशियंट का अर्थ क्या होता है, प्राचीन, इतिहास आपको पता होगा, प्राचीन भारत, तो इसका मतलब क्या होता है, हम पहले की बात कर रहे हैं, हम पास्ट की बात कर रहे हैं, जो डेट क्या हो जा चुकी है, तो ये है आपका आउट ऑफ डेट या ऑब्सोल्यूट, कहते हैं ना ये कोर्स तो क्या हो गया, ये बुक क्या हो गई, ये बुक पूरी तरह से क्या हो गई, ऑब्सोल्यूट हो चुकी है, मतलब ओल्ड हो चुकी है। तो कुछ चीजें बुक जो होती हैं ओल्ड इज गोल्ड, जो अभी नई एनसीईआरटी आ रही है और जो पुरानी एनसीईआरटी आ रही है, जमीन आसमान का फर्क है। तो इसलिए अगर आप कभी मार्केट में जाते हैं यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो प्रायोरिटी ये रखना कि पुरानी आपको एनसीईआरटी मिल जाए, इवन आपको फोटो कॉपी ही क्यों ना मिल जाए उसकी, क्योंकि काफी कुछ कवर है, क्योंकि ओल्ड इज गोल्ड कहते हैं, और इसको बोलते हैं आउट ऑफ डेट। आगे हम बात करते हैं एनोनिमस, एनोनिमस का अर्थ होता है आपका गुमनाम, जिसका कोई नाम ना हो, नेमलेस, अननोन, जिसको हम नहीं जानते, फेसलेस, जिसका कोई फेस ही ना हो, ठीक है। इम्पर्सनल, इम्पर्सनल का मतलब होता है आपका गुमनाम। तो एग्जाम में आपके सामने ये सभी चीजें इंपॉर्टेंट हैं, तो इसमें से मैं कोई भी चीज स्किप नहीं करवाऊंगा, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज होगी आपके इम्पर्सनल, एग्जाम में जो ऑप्शंस मिलता है मैक्सिमम यही मिलता है, बाकी नेम लेस तो बहुत ही कॉमन चीज है, तो फिर एग्जाम में शायद ऐसा ना दे, लेकिन दे भी सकता है, याद कर लीजिए। आगे हम बात करते हैं एंटीपैथी, एंटीपैथी का मतलब होता है अनिच्छा, मतलब कि किसी से घृणा करना, पैथी का मतलब लगाव होता है, एंटी का मतलब इसका बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा, इसको बोलते हैं नफरत, ठीक है, डिसगस्ट, हाउ डिसगस्ट कहते हैं ना ऐसे, डिसलाइक, जिसको हम लाइक नहीं करते उसको बोलते हैं डिसलाइक, इलविल, एनमाइटी एंड हेट। तो एग्जाम में आपको जो याद रखना है वो ये सभी याद करना है, हेट आप याद मत करना, ये बहुत ही बेसिक वर्ड है, तो एग्जाम में आपको ये देखने को नहीं मिलेगा, अगर आप याद कर लेते हैं तो बुराई नहीं है। एक्चुअली ये याद करने का कोई लॉजिक नहीं बनता हेट का, अगर आपको इसका हिंदी में अगर आपको अर्थ पता है ना, अगर आपको हेट दिखाई भी देगा इन केस, तो आप बड़ी आसानी से इस पर क्लिक करके आ सकते हैं, अपने राइट आंसर को चूज कर सकते हैं, बहुत ही ईजी वर्ड है ये, लेकिन शर्त ये है कि आपको एंटीपैथी का हिंदी में अर्थ पता होना चाहिए, आपको एनोनिमस का हिंदी में अर्थ पता होना चाहिए, आपको एनालिसिस का अर्थ पता होना चाहिए, आपको एक्सीडेंट का अर्थ पता होना चाहिए, आपको एक्यूज का अर्थ पता होना चाहिए, तभी तो आप राइट आंसर लगा के आएंगे। तो इसलिए वर्ड पे अपनी कमांड अभी से बनानी शुरू कर दो। आगे हम बोलते हैं एंजाइटी, एंजाइटी का मतलब होता है काफी एंजाइटी हो रही है, एंजाइटी मतलब काफी मुझे चिंता हो रही है, काफी मैं घबरा रहा हूँ, तो एंजाइटी का मतलब होता है चिंता, मतलब कि स्ट्रेस, डिस्ट्रेस, डिजायर, टेंशन, वरी,
ड्रेड, तो ये सभी के सभी आपको इसी तरह से याद करने हैं। जब कभी क्या होती है, डिज़ायर होती है, तो ऑटोमेटिक क्या होती है, चिंता बढ़ जाती है। अगर आपकी डिज़ायर है किसी एग्ज़ाम को क्रैक करने की, आपका टारगेट है कि 1 साल के अंदर आपको एग्ज़ाम क्रैक करना है, तो ऑटोमेटिक आपके अंदर चिंता का एक जो टर्मोइल होता है वो जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। यार मुझे पढ़ना है, मुझे समझ नहीं आ रहा मैथ कहाँ से करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा वोकैब कहाँ से करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा जीएस कहाँ से करूँ, यार जीएस का एरिया काफ़ी वाइड है। तो इस तरह से क्या होती है, आपके माइंड में एंजाइटी स्टार्ट हो जाएगी। तो एंजाइटी का मतलब क्या होता है, डिजायर सिनोनिमस है इसका, डिस्ट्रेस है, ड्रेड है, टेंशन है, वरी है। तो एंजाइटी होना स्वाभाविक है, लेकिन जरूरत से ज़्यादा एंजाइटी होना आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हानिकारक हो सकता है। तो प्लीज़ बी पॉजिटिव, पॉजिटिव रहिए, अपनी प्लानिंग की तरफ 100% डिवोटी हो जाइए। आगे बात करते हैं वर्ड नंबर 37, एंजियस। एंजियस का मतलब होता है व्याकुल या फिर चिंतित। 36, 37, एंजाइटी एंड एनिक्सियस दोनों का अर्थ सेम है। वर्ड नंबर 38 है आपका एपैथेटिक। एपैथेटिक का अर्थ होता है उदासीन। उदासीन मतलब जो इनएक्टिव हो, ठीक है। एक तो होता है बच्चा काफ़ी एक्टिव है, एक बच्चा है इनएक्टिव है। इनएक्टिव का मतलब उदासीन है, कुछ उसके अंदर जील नहीं है, कि कोई ना कोई पढ़ने की जील है उसके अंदर बच्चे के, ना कुछ खेलने की जील है, बस रूम के अंदर पैक रहता है हमेशा। तो ऐसे पर्सन को बोलते हैं एपैथेटिक। इसको हम बोलते हैं सिनोनिम इसका होगा आपका इमोशनलेस, इम्पैसिव, इंडिफरेंट एंड पैसिव, ठीक है। एक्टिव पैसिव बोलते हैं ना, तो एक्टिव क्या होता है एक्टिव, पैसिव क्या होता है उदासीन। आगे हम बात करते हैं, देखिए एपैथेटिक, एपैथेटिक का मतलब सेम देखिए उदासीन वगैरह। अब हम बात करते हैं एपोलॉजी। एपोलॉजी का होता है आपका क्षमा प्रार्थना, एक्नॉलेजमेंट, जस्टिफिकेशंस, डिफेंस एंड एक्सक्यूज। अपेरेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट, स्पष्ट, अभी हमने कुछ समय पहले वर्ड देखा था जो क्या था, अस्पष्ट था, तो यहाँ पे आ गया आपका अपेरेंट। अपेरेंट का अर्थ होता है आपका स्पष्ट, इसको बोलते हैं क्लियर, डिक्लेयर्ड, ऑब्वियस एंड विजिबल, जो दिखाई दे उसको बोलते हैं विजिबल। तो आपके एग्जाम में क्लियर, डिक्लेयर्ड, ऑब्वियस एंड विजिबल, तो इनमें से कोई भी वर्ड आपको दे सकता है, तो ये सभी आपको याद रखने हैं, राइट। बढ़े आगे, बिल्कुल। अप्लाउज, अप्लाउज का ऐप, APP होता है अप्लाउज। अप्लाउज का अर्थ होता है किसी की प्रशंसा करना, किसी की बड़ाई करना, किसी की तारीफ करना, प्रेज। तो अप्लाउज का अर्थ होगा आपका सिनोनिमस होगा आपका प्रेज, इसको बोलते हैं अप्रूवल और कमेंडेशंस एंड कॉन्ग्रेचुलेशन। तो एग्जाम में मैक्सिमम प्रायोरिटी बनती है आपकी प्रेज की। अब हम बात करते हैं आपसे एरिस्टोक्रैट। एरिस्टोक्रेट का मतलब होता है शिष्ट मनुष्य या फिर स्त्री। शिष्ट का मतलब होता है काफी नोबल, काफी ईमानदार, काफी लॉयल, काफी काइंड, काफी दयालु, उसको बोलते हैं हम क्या बोलते हैं एरिस्टोक्रेट। तो ये होता है आपका नोबल मैन, पियर, नोबल वूमेन या फिर पियरेस। तो एग्जाम में आपको नोबल मैन और नोबल वुमेन ही देता है, इतना टिपिकल ये वर्ड है। लेकिन अगर किसी को इसका हिंदी में अर्थ पता हो, तो अगर हिंदी में अर्थ आपको नहीं पता कि एरिस्टोक्रेट को बोलते हैं काफ़ी दयालु आदमी या फिर औरत, ठीक है, तो वहाँ पर दिक्कत रहेगी, तो प्लीज़ इसको याद रखिएगा। आगे हम बात करते हैं अराइवल के बारे में। अराइवल का अर्थ होता है आगमन, उपस्थिति। देखिए अगर आप कभी एयरपोर्ट में जाते हैं तो वहाँ पे आप देखते हैं अराइवल सेक्शन और देखते हैं हम डिपार्चर, या फिर अगर आप ट्रेन की टिकट बुक करते हैं तो वहाँ पे ट्रेन में लिखा होता है कि अराइवल टाइम, डिपार्चर टाइम, तो ये उसकी बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। अराइवल का मतलब होता है आगमन या उपस्थिति। इसमें होगा आपका अप्रोच, एंट्रांस एंड एक्यूरेंस। तो एग्जाम में आपको ये तीनों में से वर्ड कोई भी दे सकता है सिनोनिमस के रूप में, तो आपको सही जवाब अपना वहाँ पे लगा के आना है एग्जाम में। अब हम बात करते हैं एरोगेंट। एरोगेंट का अर्थ होता है अहंकारी, काफी एरोगेंट पर्सनैलिटी है वो। सुनील काफ़ी एरोगेंट है, मतलब कि काफ़ी अहंकारी, काफ़ी हट्टी है, अपने आगे वो किसी को कुछ नहीं समझता है। तो सुनील नाम से जो भी व्यक्ति हूँ मैं उनसे माफ़ी मांगना चाहूँगा, एक एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको ये वर्ड बताया है। तो एरोगेंट का मतलब होता है अहंकारी। सिनोनिम इसका होता है आपका हॉटी, HAUGHTY, हॉटी। हॉटी के बारे मतलब जो इंसान हॉटी होगा, काफ़ी गर्म होगा, तो वो क्या होगा, हॉटी, कंटेम्पशियस एंड प्राउड। तो एग्जाम में आपको ये वर्ड दे सकता है, प्रायोरिटी ज़्यादा इसकी बनती है। आगे हम बात करते हैं 45 की। 45 है आपका
आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल का मतलब क्या होता है? कहते हैं ना यार ये ज्वेलरी क्या है, आर्टिफिशियल है ओरिजिनल है, हम सिंपल पूछते हैं, तो आर्टिफिशियल का मतलब क्या होता है? बनावटी, बनावटी मतलब जो अपने तरीके से बनाई गई हो, तो आर्टिफिशियल का मतलब होता है मैन मेड, आदमी के द्वारा बनाई गई हो। एक होता है नेचुरल, तो नेचुरल चीज़ नेचुरल होती है, कृत्रिम कृत्रिम होती है, मतलब बनावटी बनावटी होती है। तो ये आर्टिफिशियल्स काफ़ी बेसिक वर्ड है, एग्जाम में आपको ये पूछने की संभावना फिलहाल नहीं है, लेकिन ग्रुप डी जैसे एग्जाम में पूछ सकता है। लेकिन ऑप्शंस वहाँ पे आपको क्या देगा, वहाँ पर आपको ऑप्शन देगा सिंथेटिक, ठीक है, सिंथेटिक देगा, या आपको देगा अननेचुरल। तो एग्जाम में आपको सिंथेटिक मिल सकता है, अननेचुरल कुछ भी मिल सकता है। आगे हम बात करते हैं आपसे एस्केंड, एस्केंड का मतलब होता है आपका उठना ऊपर जाना। जैसे आप देखते हैं कि एस्केलेटर जो आपका होता है, जैसे कि ऑटोमेटिक आप ऊपर उठते हैं ना, तो ये उससे बना है, तो उसको बोलते हैं मूव अप, आपका मतलब ऊपर, गो अप, आपका मतलब ऊपर, क्लिम, क्लिम का मतलब होता है चोटी। चोटी कैसे होती है? चोटी ऊपर की तरफ होती है, नीचे होती है भाई। पैरामाउंट, जेनिथ, ये सब वर्ड क्या है? ये उसी के तो वर्ड है, क्लिम। तो एग्जाम में आपको पैरामाउंट, जेनिथ कुछ भी दे सकता है। एग्जाम में आज के टाइम में जो चल रहा है वो चल रहा है जेनिथ, तो अभी याद रखना। आगे हम बात करते हैं एस्पिरेंट, एस्पिरेंट का मतलब होता है आपका आकांक्षी। कहते हैं हम जो जो भी एस्पिरेंट हैं वो प्लीज हमें सब्सक्राइब करें, मतलब जो जो आकांक्षी हैं जिनके अंदर इच्छा है कुछ करने की, तो वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इसका अर्थ होता है आपका एस्पिरेंट का मतलब आकांक्षी, ठीक है। एप्लीकेंट, सुटर, कैंडिडेट एंड कंपटीटर। तो आप याद रखना एग्जाम में आपको कोई भी वर्ड दे सकता है, तो यहाँ पे एग्जाम में प्रायोरिटी इस चीज़ की है, कॉम्पिटिटर्स की एंड एप्लीकेंट की है एंड सुटर की है, राइट। आगे बढ़ते हैं वर्ड नंबर 48 की और, हम लोग एसेसिन, एसेसिन का मतलब होता है आशा, सीन बोल सकते हैं उसको, एसेसाइन बोल सकते हैं, इसका मतलब होता है हथियारा, घातक, मतलब ब्रेवो, किलर, मर्डर एंड स्लेयर। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका ब्रेवो, किलर, मर्डर एंड स्लेयर सभी इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं हम लोग ऑडिबल, ऑडिबल का मतलब क्या होता है? ऑडियो, ऑडियो का मतलब क्या होता है? सुनने से, ठीक है। ऑडिबल का मतलब क्या होता है? सुनने से, मतलब श्रव्य को बोलते हैं सुनना, इसको बोलते हैं एप्रिसिएबल, क्लियर, डिटेक्टेबल एंड डिस्टिंक्ट। तो एग्जाम में भी आपको ये सभी याद रखना है, आपको एप्रिसिएबल याद करना है, मेन इंपॉर्टेंट। आगे हम बात करते हैं ऑकवर्ड, काफ़ी ऑकवर्ड लग रहा है यार मुझे यहाँ पे आते हुए, मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। ये हम वर्ड यूज़ करते हैं ऑकवर्ड, ऑकवर्ड का मतलब क्या होता है? भद्दा, कठिन एवं व्यग्र, मतलब क्लमसी, डिफिकल्ट एंड इनएक्सपर्ट। तो यहाँ पर आपका क्लमसी, डिफिकल्ट एंड इनएक्सपर्ट तीनों ही वर्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड हैं। तो फ्रेंड्स अल्फ़ाबेट ए हमारा यहीं पर समाप्त होता है, और इस वीडियो के अंत में मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अपने मित्रों तक अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें। और एक ज़रूरी सूचना और, कि इस चैनल पर आपको और भी बहुत कुछ मिलेगा, ढेर सारी किताबों की कंप्लीट वीडियो। अगर ये चीज़ आपको पसंद आई तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, और आपके जो भी फ्रेंड कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उन तक इस वीडियो को शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।